हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे एज इफ या एज दो का प्रयोग। हम एज इफ और एज दो का प्रयोग हिंदी के उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं जिसमें मानो की या जैसे की शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए, वो मुझे ऐसे हुक्म देता है मानो की कलेक्टर हो। अब यहाँ पर आप जो मानो की शब्द आया है इसके लिए एज इफ या एज दो का प्रयोग करेंगे। पर इसमें एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि इसका जो सेकेंड हिस्सा है या सेकेंड भाग है वो रियल नहीं है, ये अनरियल है। इसीलिए इस पर्टिकुलर पोर्शन को हमेशा हम पास्ट में बदलेंगे। जैसे यहाँ पर अनरियल पोर्शन कौन सा है, जैसे कि वो कलेक्टर हो, मानो कि वो कलेक्टर हो, तो इसको हमेशा पास्ट में। तो आपको ध्यान रखना है एज इफ के बाद वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट में ट्रांसलेट होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वो मुझे ऐसे हुक्म देता है मानो कि कलेक्टर हो। ही ऑर्डर्स मी एज इफ ही वर अ कलेक्टर। यहाँ पे आपने देखा मानो की के लिए मैंने एज इफ लगाया और जो सेकेंड पोर्शन था सेंटेंस का उसको पास्ट में ट्रांसलेट किया क्योंकि वो अनरियल पोर्शन था। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वो मुझसे ऐसे प्यार करते हैं मानो कि मैं उनका बेटा हूं। तो वो मुझसे ऐसे प्यार करते हैं, ही लव्स मी मानो कि एज इफ मैं उनका बेटा हूं, आई वर हिज सन। ही लव्स मी एज इफ आई वर हिज सन। वो ऐसे बात करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, वो ऐसे बात करता है। ही टॉक्स मानो कि एज इफ कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग हैपेंड। वो ऐसे बात करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, ही टॉक्स एज इफ नथिंग हैपेंड। हम ऐसे मिले जैसे कि अच्छे दोस्त हों। तो हम ऐसे मिले, वी मेट, जैसे कि एज इफ या एज दो हम अच्छे दोस्त हों, वी वर गुड फ्रेंड्स। वी मेट एज इफ वी वर गुड फ्रेंड। तो आपने देखा कैसे मानो की को या जैसे की को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमने एज इफ का प्रयोग किया और चूंकि हिंदी सेंटेंस का सेकेंड हिस्सा अनरियल था उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमने पास्ट का यूज किया। तो उम्मीद है आपको सेंटेंस समझ में आया होगा या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया।